नहीं शिवानी, मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगी। हट जाता है। नहीं हटूंगी, ये गुनाह अजीम तेरे हाथ पर नहीं होने दूंगी मैं। मैंने कहा हट जाता है। अब तू वो शिवानी नहीं रही जिसके साथ मिलकर मैंने चिंगारी की बुनियाद रखी थी, वो शिवानी जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती थी, ना कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान ले सकती। जान लेना और देना सब परवरदिगार के हाथ में, और हम उसके काम में दखल अंदाजी करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। अब ये वो चिंगारी संगठन नहीं रहा शिवानी, इसलिए हम भी इसका हिस्सा नहीं है। नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। ओके ओके, रिलैक्स। जरूरत नहीं, अपना वक्त हो गया है। ऐसे मत बोलता है। मौत ही सबसे बड़ा सच है शिवानी। उससे क्या भागना? एक नहीं दिन तो सब कहानी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज उठ जा। गलती तो पहले से ही हो गई थी, पहले से हम गलत रास्ते पे निकल पड़े थे शिवानी। और गलत रास्ते की मंजिल सही कैसे हो सकती? कोशिश की थी तुझे आगाह करने की, समझाने की, हम गलत रास्ते पे चल रहे बच्चा, वापस लौटना चाहिए, लेकिन नहीं समझा सके। शायद मेरी मौत ही तुझे बात समझा सके। ताई नहीं नहीं नहीं, ताई ताई आगे खोल, ताई आगे खोल, खोल, कुछ नहीं होगा तुझे, ताई आगे खोल। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी प्लीज। अल्लाह नहीं, ताई, ताई नहीं प्लीज, ताई प्लीज नहीं, नहीं। शिवानी, हम भी तुम्हें इतने दिनों से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इरादा नेक होना ही काफी नहीं है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी सही होना चाहिए। और जिस दिन ये बात समझ आ जाए ना, उस दिन इंसान को सही रास्ता चुन लेना चाहिए, भले ही वो कितना मुश्किल क्यों ना हो, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन यू टर्न लेने का ऑप्शन हम सबके पास हमेशा होता है। लगता है ये भी रास्ता गलत ही ले लिया हमने। कोई बात नहीं, अब भी वक्त है, यू टर्न ले सकते हैं। हर रास्ते पे वापस लौट जाने का एक आसान मोड जरूर होता है, बस हम ही उसे देख नहीं पाते। अकलमंदी गलत रास्ते पे भटकने में नहीं है,
ठीक वक्त पे वापस लौट जाने में ही शिवानी। तूने सही कहा था जज्बातों वाली भाई, मेरा रास्ता ही गलत था, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब मैं वही करूंगी जो सही। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करती हूं। अपने पूरे कन्फेशन के साथ मैंने जो भी गलती की, मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक वादा कर मुझसे कि तू चिंगारी संगठन में किसी भी मेंबर को कुछ नहीं करेगी। चिंगारी संगठन ने जो भी इलीगल काम किए हैं, उन सब की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। ठीक है। खुद को पुलिस के हवाले किया है, कोई बीच में नहीं आएगा। डीजे बजा बजा गाना बजा। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है सब। वैसे क्या जरूरत थी इतना सारा ताम झाम करने की? अरे तो पुष्पा जी आपके लिए थोड़ी किया है। ताली ताली। पता है हमें माँ, जरूरत थी क्योंकि चिंगारी गैंग खत्म हो चुकी है। शिवानी ताई है, ताई कहेगी शिवानी, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। किसके वजह से? हमारे थाने के वजह से, मैडम सर की वजह से, करिश्मा मैडम की वजह से, हमारी वजह से भी। हाँ, हमारी माँ की वजह से भी। तू कैसे बोलता है? समझ गए ना, तो ये सब हमारे लिए भी है। हाँ, अरे सारा शहर हमारी तारीफ कर रहा है, मतलब हमारे थाने की तारीफ कर रहा है, सब खुशी से झूम रहे है, तो हम भी ये खुशी दिल खोल कर क्यों नहीं मनाएंगे माँ? मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तुमको नहीं लगता तुम्हारा खुशी ओवरफ्लो हो जाता है कभी कभी? मन में रखो ना खुशी, मन में रख के मन में ही खुश हो, समझे? आई एम नॉट सेल्फिश माँ, ये मैं सब चीते के लिए कर रहा हूँ, निठल्ले के लिए कर रहा हूँ। तो बिन्नी की वजह से उसका मूड ऑफ है ना माँ, तो ये सब देख के उसका मूड ऑन हो जाएगा, इसीलिए तामझाम किया माँ।
अरे दम पिसाचो के आखिरी अवतार, इसको पैसा देकर स्टाइल मारने के लिए बुलाया है क्या? अरे तुम बाबू चश्मा लगाकर क्या कर रहे हो? अरे कोई बजाओ यार, तड़कता भड़कता गाना बढ़िया से बजाओ, नाचा जाए। बढ़िया से गाना बिल्ले। चीते 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 चीते, तुम ठीक हो ना? हाँ मैडम, हम बिल्कुल ठीक है, हमको क्या हुआ? नहीं नहीं, दुख जो है ना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जीवन का, सबको होता है, इसको दबाना नहीं चाहिए। नहीं मतलब अगर दुख ज्यादा दबा लो ना तो कुंठा बन जाता है, इसलिए खुशी होने का दिखावा मत करो, दुखी हो तो दुखी दिखाओ। नहीं नहीं मैडम, आप क्या बोल रही है, हम बहुत ज्यादा खुश है मैडम। अब सोचिए ना, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ा खुशी का बात क्या होगा कि चिंगारी गैंग पकड़ा गया। हाँ मिन्नी के प्रसंग को लेकर थोड़ा सा उदास थे, लेकिन अब कोई उदासी नहीं है, हमारे मन पर जो बोझ था एकदम हट गया। कैसे? कैसे मतलब पुष्पा जी, आपको पता है, आपको पता है किसका फोन आया था हमको? हमको बिन्नी का फोन आया था। क्या? उसका परिवार वाला लोग ना उसको अपना लिया है। वाओ। अच्छा, वो खुद ना इस सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अच्छा जिंदगी शुरू करना चाहती थी, भगवान उसको मौका दे दिया, शुरू कर रही है, एकदम खुश है। हमको तो ये भी बोली कि जो कुछ भी उसके जिंदगी में हुआ है ना उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। भाई हमारे दिल से बोझ उठ गया है मैडम, हम बहुत ज्यादा खुश है, एकदम सेलिब्रेशन के मोड में है, इसीलिए कह रहे थे बजाओ ना यार। ओ निठल्ले, ये की ना तूने चीटे वाली, बजाओ बजाओ बजाओ। अरे ओ डीजे वाले बाबू, हमारा गाना तो बजा दो, बजा दो बजा दो बजा दो। एक मिनट, क्या खूटे सोखड़े बैल की तरह फैली जा रही है आप? रुकिए, कोई डीजे नहीं बजेगा अभी, रुक जाइए, बंद करो बंद करो। है? जब तक मैडम सर नहीं आ जाती है यहाँ कोई डीजे वीजे नहीं बजेगा, समझ गए सब? नहीं, हमारी बात सुनिए ना। अरे डीएसपी सर ने बुलाया मैडम सर को, वहाँ उन्हें कितना समय लगेगा क्या पता, उनका नाम लेकर शुरू करते हैं ना यहाँ पे। नहीं नहीं, कोई डीजे नहीं बजेगा। करिश्मा मैडम, डीजे बजाने दीजिए प्लीज, एक घंटे के लिए किराए पे बुलाया है, 7.5 मिनट वेस्ट हो गए हैं, प्लीज बजाने दीजिए ना प्लीज। आने दो मैडम सर को, उसके बाद ही डीजे वीजे होगा, नहीं बजाओगे तुम, समझ गए? मैडम सर अभी तक आए का ही नहीं है, कितना टाइम हो गया और ऐसा कौन सा काम आ गया डीएसपी सर को जो ऐसे खड़े पैर बुला लिया मैडम सर को? कहीं कोई और बवाल तो नहीं खड़े होने वाला हम सबकी जान को? भाई हमने तो पहले से ही कहा था कि चिंगारी गैंग को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो हसीना मलिक जी और उनकी टीम ही कर सकते हैं। हाँ। किससे कहा था सर? वो हमने खुद से ही कहा था, आईने के सामने बैठकर। वो तो छोड़िए, हम पब्लिक और प्रेस के सामने कुछ भी कहें लेकिन दिल से ये मानते हैं कि आप जैसी प्रतिभावान, आप जैसी काबिल और आप जैसे कर्मठ ऑफिसर हमारे पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है भाई। है? मुद्दे पर सर आइए, तारीफ ही करनी थी तो फोन पर कर लेते, मैसेज कर लेते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? वहाँ थाने में सब हमारा वेट कर रहे हैं और हम यहाँ। और तो और, बेस्ट ऑफिसर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए आपका नाम प्रस्तावित करेंगे। शुक्रिया सर। मुद्दा एक सेकेंड, सॉरी, थैंक गॉड, थैंक गॉड करिश्मा सिंह हमें फोन करती हैं। हेलो, जय हिंद करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर कहाँ हैं आप? मतलब यहाँ पे सब तैयारी करके बैठे हैं, डीजे लग गया है, फूल फुलवाड़ी सब लग गया है, आप आएंगे तो इनका जो है वो थोड़ा उत्साह जो है वो कम हो जाए। हाँ हाँ मैडम सर, आइए ना। क्या बहुत अर्जेंट मैटर है, हमें अभी आना होगा। करिश्मा सिंह, हम डीएसपी सर के साथ हैं उनके केबिन में। नहीं नहीं, आप कह रही हैं अर्जेंट है तो डेफिनेटली है, हमारे हम अभी निकल रहे हैं। जी जी, आप कार्यवाही शुरू कीजिए, हम बस आ ही रहे हैं। जी जी मैडम सर, जी ओके। जय जय हिंद। जय हिंद। अरे हमें भी तो बात करनी थी ना। ठीक है मैडम सर, निकल गई है। हाँ। डीएसपी सर के ऑफिस से 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगी, ठीक है? उसके बाद जितना नाचना हो नाच लेना, जितना गदर मचाना हो मचा लेना। अरे एक मिनट, बाद में क्यों यहाँ है या बाद में क्यों? हाँ, हमने अपनी कानों से सुना है मैडम सर ने क्या कहा कि तुम लोग शुरू करो, हम आ रहे हैं। अच्छा शुरू करो मतलब? माफ कीजिएगा सर, हमें
निकलना होगा। हाँ सर, थोड़ा अर्जेंट मैटर है, थाने में सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। अरे रुकिए तो सही। जी सर। अरे भाई, हमने वो बात तो अभी तक की नहीं जिसके लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया था। तो कहिए सर। अरे मनोहर, दरवाजा बंद करिए और आप चाय वाय पीजिए, जाइए कहीं पर। बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। क्या हुआ सर, ऐसी क्या बात है? आपसे हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात इस ऑफिस के चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय बात है। सर, ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये नहीं हो सकता सर, ये नामुमकिन है। और हम कैसे कर सकते हैं ये? ये काम आप ही कर सकती हैं। हसीना मलिक जी, आपने सिद्ध करके दिखाया है ये आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर ऊपर से आया है, इसे तो हमें फॉलो करना ही होगा। और एक जरूरी बात, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी गोपनीय है, ये बात अपनी टीम से बिल्कुल छिपा के रखनी होगी। आशा करता हूं कि इस बात की गंभीरता को आप बहुत अच्छी तरह से समझ रही होंगी। सर आप, ये ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है सर, जय जय। ये बात इतनी गोपनीय है, अपनी टीम से बिल्कुल छिपा के रखनी होगी। या अल्लाह, और किसी भी सिचुएशन में डाल देते हम डील कर लेते, अब तो आदत हो गई है, पर ये नहीं हमसे होगा। इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होगा हमसे। निकालिए हमें इस आजमाइश से प्लीज, हम नहीं कर पाएंगे ये। नहीं नाचना है। जब तक मैडम सर नहीं आ जाएंगी हम नहीं नाचेंगे, बात खत्म। लीजिए हम आ गए। थैंक यू। ये लो लो प्लीज, थैंक यू। चलिए चलिए, अब तो अपना वादा पूरा कीजिए, डांस कीजिए मैडम जी, चलिए ना, कीजिए ना। बवाल हो गया। पुष्पा जी, कितना खुशी का माहौल है, हर तरफ से खुशखबरी आ रहा है। पुष्पा जी, हाँ क्या, कहाँ से क्या खुशखबरी आई? माँ का तबीयत ठीक हो गया और छुट्टी का शादी जो है वो फिक्स हो गया। सच में? और क्या बहन, हाँ, ये तो पंडित, सच में बहुत अच्छी खबर है। मैसेज लिख के भेजी है कि पंडित जी पोथी पत्रा देख रहे हैं, शाम तक पूरा डेट और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। एक मिनट। अरे कौन दौरा पड़ गया, मुझे बताओ ये छुटकी कौन है? अरे नरपिसा, बताइए, ये हमको अपना दोस्त कहता है हमारे छोटी बहन के बारे में, तुमको पता नहीं छुट्टी हमारी छोटी बहन? ये किसी का दोस्त बनने के लायक ही नहीं है, बताओ। ए, चुप रे पागल बिल्ली। छुटकी? हाँ, मेरी बहन छुटकी। अरे उसको छुटकी, उसकी शादी। और क्या, उसकी शादी हो रही है तो वो छुटकी कहाँ से, वो तो बड़की हो गई ना। अभी सही बोला बिल्ली। गांव से मैसेज आया, माँ का तबीयत ठीक हो गया और छुटकी का शादी जो है वो फिक्स हो गया। सच में? और क्या माँ, ये तो डबल धमाल, डबल बवाल, डबल पार्टी, डबल दारू। माँ डबल डांस ना माँ।
मैडम सर वो आपका उर्मिला महादेव मात्रे वाला डांस मैडम सर हाँ हाँ क्या बोलती पब्लिक क्या बोलती चटक चांदनी चला अपने स्टाइल पे डांस फ्लोर पे वाट लगाते मैडम सर डॉक्टर बुलाओ एक बार लेकिन